डियर स्टूडेंट्स, सो वी वर रीडिंग फिफ्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द किंग हु एट टू मच. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डन. नाउ इन टूडेज क्लास वील स्टार्ट इट्स सेकेंड पार्ट. लेट स्टार्ट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज 39, पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ. But the king's greedy eating habits also made him a very thoughtless king. As you know that the thing which he loves more than anything else in the world is food. जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो था खाना. इतना ज़्यादा खाता था कि खा खा के उसके जो सोचने समझने की वो जो पावर थी वो भी कम हो गई थी. उसको वो समझ में नहीं आता था. नो वन डे टू टेल हिम दैट मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द किंगडम हैड टू बी स्पेंट ऑन हिज ह्यूज मील्स. किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी उसके कोर्ट में, किसी को भी ये बताने की हिम्मत नहीं थी कि उसके खाने की हैबिट्स की वजह से कितना ज़्यादा उसके ऊपर वेल्थ स्पेंट हो रही है, कितना ज़्यादा खर्चा आ रहा है. इन द मेन टाइम हिज लॉयल सब्जेक्ट्स वर गोइंग हंग्री एंड बिकमिंग पुअर एंड नीडी. जबकि वो खा खा के इतना ज़्यादा वो फैटर होता जा रहा था, उसी टाइम के बीच उसकी जो प्रजा है, सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद होती जा रही थी. ठीक है, वो इतना ज़्यादा खा रहा था और इन ऑपोजिट उसकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा था और वो पुअर होते जा रहे थे. वन डे जस्ट आफ्टर द किंग हैड ईटन हिज यूजुअल बिग लंच ही बिगैन टू फील वेरी स्ट्रेंज. एक दिन क्या हुआ कि जब किंग अपना बड़ा सा लंच करके हटा तो उसने अपने आप में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब सा फील किया. व्हाट डिड ही फील? नॉट ओनली डिड ही फील बिगर देन यूजुअल बट ऑल्सो बिगैन टू फील वेरी लाइट. उसने अपने आप को ना तो सिर्फ बड़ा फील किया कि वो बिगर हो गया है पहले से, बल्कि अपने आप को लाइट भी फील किया उसने कि वो वेट में बहुत हल्का हो गया था. सडनली विदाउट एनी वार्निंग ही स्टार्टेड फ्लोटिंग अप फ्रॉम द टेबल एंड इन टू द एयर लाइक अ बिग बलून. फिर देखते ही देखते वो क्या करने लगा, टेबल के ऊपर फ्लोट करने लगा और वहाँ से वो एयर में सीधा पहुँच गया और बलून के जैसे वहाँ पर वो उड़ने लगा एयर में. ओके, बलून होता है ना जैसे साइज में बिगर होता है वैसे वो लाइट होता है वेट में. सिमिलर वॉज द कंडीशन ऑफ किंग. हेल्प, गेट मी डाउन, ही क्राइड. वो चिल्लाने लगा कि हेल्प करो, मेरी मदद करो, नीचे उतारो मुझे. द रॉयल कोर्टियर्स एंड सर्वेंट्स जम्प्ड अप एंड डाउन एंड ट्राइड इन वेन टू ग्रैब द किंग. अब जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे किंग के, और जो सर्वेंट्स थे वो ऊपर नीचे वो जंप करने लगे किंग को पकड़ने के लिए. और बट इन नो टाइम एट ऑल ही हैड फ्लोटेड आउट ऑफ रीच. लेकिन देखते ही देखते वो एक मिनट में उनकी पहुँच से कहीं ऊपर पहुँच गया. बिफोर एनी वन न्यू इट ही हैड फ्लोटेड आउट ऑफ द कैसल विंडो. और बिना किसी को बताए अपने आप वो कहाँ पहुँच गया, कैसल की विंडो के पास. उसका जो महल था, दुर्ग था उसका, उसकी विंडो के पास वो फ्लोट करने लगा. आउट अक्रॉस द रॉयल ग्राउंड्स. और वहाँ से वो कहाँ फ्लोट करने लगा, रॉयल ग्राउंड्स, मैदान में, बड़े बड़े जो मैदान थे. ही वेंट ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर से गया वो, वुड्स, जंगल के ऊपर से गया, माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से उठ के गया, अपने किंगडम में पहुँचा वो. वू आ क्राइड द किंग एज ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम व्यू. जैसे ही उसने उस व्यू को देखा, उस नज़ारे को देखा नीचे, जहाँ जहाँ से वो फ्लोट करके उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था, उसने नीचे क्या देखा, ही फ्लोटेड ओवर अ स्मॉल विलेज. वो एक स्मॉल विलेज में पहुँचा. एवरीवेयर ही लुक्ड ही सो शैबी, रन डाउन हाउसेज इन नीड ऑफ रिपेयर एंड पीपल इन द स्ट्रीट्स बेगिंग फॉर मनी. हर जगह उसने देखा कि लोगों के घर बहुत ही टूटे फूटे से थे और रिपेयर की ज़रूरत थी उनको, और लोग गली में पैसों के लिए भीख मांग रहे थे. इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी उसके किंगडम में लोगों की. क्लियर. Turn on next page. Every farm and every village the king plotted over told the same story of hunger and misery. Misery होता है दुख. Okay, grief. हर जगह जहाँ भी वो गया, जिस भी गांव में गया, विलेज में गया, वहाँ पे उसको सेम स्टोरी देखने को मिल रही थी. मीन्स लोग हर जगह भूख से मर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो मिजरी में थे, दुख में थे. द किंग सडनली फेल्ट वेरी सैड एंड वेरी अशेम्ड. फिर किंग को ये सब देख के अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगा, वो शर्मिंदा महसूस हुआ. ही हैड बीन सो बिजी एन्जॉइंग हिमसेल्फ ईटिंग दैट ही हैडन्ट गिवन अ थॉट टू द प्लाइट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. प्लाइट मीन्स कंडीशन, दशा, लोगों की जो मिजरेबल प्लाइट होती है, दयनीय दशा होती है,
ओके। उसने अब फील किया कि वो अपने खाने पीने में इतना ज़्यादा मस्त रहा अब तक कि उसको लोगों की अपनी प्रजा की दशा के ऊपर दशा का भी कंडीशन का भी ध्यान नहीं आया। वाइल ही वॉज गेटिंग फैटर एंड फैटर दे वर ऑल गेटिंग थिनर एंड पुअरर, जबकि कहते वो खा खा के मोटा होता जा रहा था और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो लोग हैं वो दुबले पतले और गरीब होते जा रहे थे। उनकी सारा पैसा तो किस पे लग रहा था, उसके खुद के खाने पीने पे, बजाय कि वो लगना था लोगों के वेलफेयर पे, उनकी भलाई पे। ओके, वो सारा काम सारा पैसा उसके खुद पर लगता जा रहा था और लोग बहुत ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे। नाउ अगस्ट ऑफ विंड वॉज ब्लोइंग द किंग बैक टूवर्ड्स हिज कैसल। अब अगस्ट ऑफ विंड मीन्स हवा का एक झोंका आया और उसने किंग को वापस से कहाँ पहुँचा दिया, उसके महल में। एज ही वॉज पासिंग ओवर द कैसल ही सडनली फेल्ट हिमसेल्फ फॉलिंग, जैसे ही वो कैसल के ऊपर से जा रहा था उसने क्या देखा, एकदम से फील किया कि वो नीचे गिर गया था। डाउन डाउन ही वेंट अंटिल ही लैंडेड बैक इन टू द कैसल ग्राउंड विद द थर्ड एंड अ बाउंस, नीचे पहुँच गया वो। और उसने कैसे गिरा, वो ज़मीन के ऊपर ग्राउंड पे वो विद थर्ड थर्ड होता है धड़ाम की आवाज़, जो गिरने की आवाज़ आती है ना, एंड अ बाउंस, और बाउंस होता है एकदम से उछाल के, ऊपर को उछाल के फिर से नीचे आ जाना, ऐसे इतनी ज़ोर से गिरा वो। दैट वेरी डे द किंग सेंट आउट अ रॉयल प्रोक्लेमेशन, उसी दिन किंग ने क्या भेजा, एक फरमान जारी किया। प्रोक्लेमेशन होता है अनाउंसमेंट, क्या अनाउंसमेंट की उसने, ऑल हिज लॉयल सब्जेक्ट्स वर टू कम टू द कैसल फॉर अ ह्यूज मीट, कि उसके सभी लॉयल सब्जेक्ट्स को, वफादार प्रजा को, उसको आना है महल में एक बड़ी सी दावत के लिए। आफ्टर विच दे वुड ऑल बी गिवन अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड, और कहते खाने के बाद सभी को क्या दिए जाएंगे, एक पर्स भर के गोल्ड का। एज फॉर द किंग ही वॉज नेवर ग्रीडी अगेन, अब किंग पहले के जैसे ग्रीडी नहीं रहा था। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑल हिज मनी ऑन फूड फॉर हिमसेल्फ ही गेव इनफ टू ऑल द पीपल इन द लैंड सो दे वुड नेवर बी हंग्री और पुअर अगेन। अब कहते हैं सारा पैसा अपने खाने पीने पे खर्च नहीं करेगा, बल्कि उसने वो उस पैसे से क्या किया, लोगों के लिए लैंड ले ली, ज़मीन ले ली, ताकि लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, फसल उगाएंगे, फसल अच्छी होगी तो मार्केट में जाएगी, पैसा आएगा उनको, पैसा आएगा तो उनको दो वक्त का खाना मिलेगा, उनकी कंडीशन अच्छी होगी, उनकी जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो दूर होगी। ओके, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट वी शुड नेवर वेस्ट द फूड, वी शुड रिस्पेक्ट द फूड। ओके, थैंक यू।